हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ कंटोला की रेसिपी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कंटोला को पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह हमें सारे कंटोले को बीच से दो तीन चीरे लगा कर रख लेने हैं। अब हमने थोड़े से प्याज लिए हैं, प्याज को भी हमें छील लेना है। थोड़े से मैंने आलू लिए हैं, आलू को भी छील लेना है। फिर इसे पानी में अच्छी तरह धो लेना है और फिर इसे भी बीच में चीरे लगा देना है। फ्रेंड्स, मैंने देखिए कैसे लंबे प्याज काट लिए हैं। एक जार में मैंने प्याज को डाल लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कंटोला में हमें कच्चे प्याज का पेस्ट ही रखना है। जीरा, काली मिर्च और धनिया पाउडर मैं एक में ही पीस लेती हूँ, इसलिए ये तीनों ही मैंने इसमें डाल रही हूँ। अब इन सब मसालों को हम अच्छी तरह मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए, मैंने मसाले को पीस लिया है। अब इन सबको मैं कंटोले के अंदर भरूँगी। एक एक करके सारे कटोरे को भर लेना। आलू भी हमें इसी तरह भर लेने हैं सारे, और प्याज को भी हमें भर लेना है। अब हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। तेल मैंने इसमें ले लिया है, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सारे कंटोले को एक एक करके डाल देंगे और साथ ही हम इसमें आलू को भी डाल देंगे और इसे हम बीच बीच में पलटते रहेंगे। हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे पलटते रहना है और हमें चेक करना है कि ये गल गए हैं कि नहीं है। जब गल जाएंगे तभी आप इसे उतारिएगा। और हमेशा हमें लो फ्लेम ही रखनी है, लो फ्लेम में ही अच्छे पकते हैं। अब इसमें मैंने प्याज को ऐड किया है। देखिए, मैंने प्याज डाल दिया है इसमें। प्याज को भी सुनहरा होने तक इसे हम पकाएंगे। इस सब्जी में तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि थोड़ा तेल ज़्यादा होगा तभी ये अच्छी तरह से पक पाएगा। देखिए, हमारी सब्जी बनकर रेडी है।